बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सर? दोस्तों मैं शेफ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे स्मॉल गुलाब जामुन, छोटी गुलाब जामुन किस तरीके से बनती है, जो कि आप दूध दुलारी में जर्दे में इस्तेमाल करते हैं वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रेसिपी होगी, इसी रेसिपी से आप बड़ी गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, मगर मैं बनाऊँगा छोटी गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से, और बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों देखते हैं मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये मैंने लिया हाफ़ क्रीम मिल्क पाउडर, लो फैट मिल्क पाउडर भी बोलते हैं इसको। यही है असल गुलाब जामुन बनाने का पाउडर, मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। हाफ़ क्रीम पाउडर ये इस तरह का होता है, कॉर्नफ्लावर टाइप का। और ये मैंने लिया है 180 ग्राम मेल्टेड घी, दानेदार घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, और 180 ग्राम ही पानी। तो ये मेजरमेंट का काफ़ी आपने इसमें ध्यान रखना है, पूरा पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले 180 ग्राम घी पाउडर के अंदर शामिल कर देते हैं, एक चम्मच की मदद से इसको हल कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों मेजरमेंट का आपने इसमें ध्यान रखना है, कप का हिसाब इसमें नहीं है, इसमें ग्राम्स का हिसाब है। तो आप स्केल पे वज़न करके ये बनाइएगा तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अंदाजे से आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब जो 180 ग्राम पानी मैंने वज़न करके रखा हुआ है, ये नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल नलके का पानी है, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा 180 ग्राम। ये एक पाव मिल्क पाउडर की रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अगर जो दोस्तों आप पानी को रोक के डालेंगे, एक साथ इसमें नहीं ऐड करेंगे, तो इसमें लम्स आ जाते हैं। तो पानी जितना आप 180 ग्राम पानी जितना आपके पास हो, सारा का सारा आपने एकदम से इसके अंदर ऐड कर देना है, हाथ रोक के थोड़ा थोड़ा करके इसमें नहीं ऐड करना, सारा का सारा पानी एक साथ इसमें जाएगा। और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की है, क्योंकि ये बहुत अहम स्टेप है पाउडर वाली गुलाब जामुन बनाने का। अगर जो इस स्टेज पे आपसे पाउडर सही हल नहीं होगा तो गुलाब जामुन में आपको मसला आएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसको एक खुले बर्तन में मैं निकाल के रख दूंगा कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। तो अब इसको निकाल के रखते हैं एक खुले बर्तन के अंदर, ताकि ये अच्छे से जम जाए कम से कम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। फ्रीज़र में या फ्रिज में इसको नहीं रखना है। इस तरीके से देखें, ये अभी आपको लग रहा है कि काफ़ी ये पतला है, मगर ये थोड़ी सी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 1 घंटा तकरीबन हो चुका है, और जो हमारा मिल्क पाउडर है ये थोड़ा जमना शुरू स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आपने बीच बीच में चम्मच की मदद से इसको उल्टा देना है। तो देखिए माशाल्लाह से पाउडर हमारा जम चुका है, इससे भी ज़्यादा अगर जो आप जमाना चाहें तो इससे ज़्यादा जमा लें, मगर मैं थोड़ा सा जल्दी की वजह से, टाइम शॉर्टेज की वजह से अभी इसके अंदर बाकी जो इसके मसाले हैं वो ऐड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 3 ग्राम्स मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा वो शामिल करेंगे, ज़रा सा उसके ऊपर पानी ऐड कर देंगे ताकि सोडे के अंदर जो दाने हों लम्स हो ख़त्म हो जाए। 2 टेबलस्पून सूजी ये इसमें शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची, 1/2 टीस्पून जायफल जवात्री, और 1 अदद मैंने लिया है अंडा, ये सारा इसमें नहीं जाएगा। 3 टेबलस्पून अंडे के इसके अंदर हमने शामिल करने हैं। जो दोस्त या मेरी बहन अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वो इसमें पनीर दूध का बना के ऐड कर सकते हैं अंडे की जगह पे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चम्मच से मिक्स कर लें या हाथ से मिक्स कर लें, मगर आपने पूरे पाउडर के अंदर अच्छे से इसको अंडे को, सूजी को, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से कहीं से कोई जगह खाली ना रहे, कोई पाउडर बचे ना, अच्छे से आप इसको मिक्स करें। और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, 100 ग्राम मैदा। तो दोस्तों ये पूरी ग्राम्स के हिसाब से मैं रेसिपी आपको बता रहा हूँ, तो आपने इसी हिसाब से लेनी है, अंदाजे से या कप के अंदाजे से नहीं लेनी। तो 100 ग्राम अब इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके, मिक्स मैंने कर लिया है अब मैदा शामिल करके। तो अब मैदा शामिल करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, बिल्कुल आराम आराम से, आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, ना ही इसको फोल्ड करना है।
वरना ये चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें चिड़ बन आ जाती है, जिसकी वजह से आप गोलियां बनाएंगे गुलाब जामुन की तो उसमें दरारें आ जाएंगी। इस तरीके से इसको हल्के हाथ से मिक्स करें, थोड़ी सी डस्टिंग करें नीचे। अगर जो इस स्टेज पे दोस्तों आपको लगे कि आपकी जो डो है वो थोड़ी सख्त है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, पानी इसमें शामिल कर लीजिएगा। अगर जो आपको लगे कि डो सख्त है, अलबत्ता पहले तो सख्त होगी नहीं डो, क्योंकि मैंने परफेक्ट आपको परफेक्ट बताई है रेसिपी, इसमें आपको पानी ना पानी शामिल करना पड़ेगा ना कोई और चीज़ शामिल करनी पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। घी मगर आपने लेना है दानेदार घी, उसको मेल्ट कर लेना है, ऑयल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करके एक साइड पे करते हैं। और अब इसकी मैंने बनानी है छोटी छोटी गोलियां, क्योंकि मैं बना रहा हूँ स्मॉल गुलाब जामुन, इसी की आप बड़ी गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको फैला देंगे, आप चाहें तो इस स्टेज पे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रखा, तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसकी गोलियाँ बनाते हैं। तो मुझे बनानी है छोटी वाली गुलाब जामुन, स्मॉल गुलाब जामुन। तो उसकी सबसे पहले मैं गोलियाँ इस तरीके से बना के रख लेता हूँ। तो देखिए मैंने गोलियाँ बना ली हैं आधी डो की, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे एक ट्रे के अंदर। और मैं दो दो पीस बना रहा हूँ, आप चाहें तो एक बना लें, आप चाहें तो दो पीस बना लें। इस तरीके से इसको गोल करेंगे, दरार इसके अंदर कोई भी नहीं आनी चाहिए, अच्छे से आपने इसको गोल करना है। अगर जो आपको मसला हो तो अपने हाथ पे हल्का सा घी का या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से आधी मैंने गोल कर दी है, मगर और भी तमाम की तमाम को गोल कर लेते हैं। उसके बाद हम शीरा बनाएंगे और उसको जो फ्राई करेंगे वो भी काफ़ी अहम स्टेप है, वो भी आपने लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करना है फ्राई का। तो सबसे पहले बनाते हैं शीरा। शीरा बनाने के लिए ली है मैंने 1.5 kg चीनी और तकरीबन इतना ही पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1.5 kg चीनी में 1.5 kg पानी और शीरे को उबाल आ गया है। अब इसको 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि इसके अंदर एक हल्की सी तार बन जाए। तो दोस्तों ज़्यादा मोटी तार का शीरा हमें नहीं चाहिए होगा, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, इतना थिक शीरा हमें चाहिए। तो अब इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको साइड पर कर देते हैं और अब घी रखते हैं फ्राई करने के लिए। तो मैंने ली है नॉन स्टिक पैन कढ़ाई, इसके अंदर घी मैं ऐड कर दूँगा 1 से 1.5 kg घी। तो दोस्तों गुलाब जामुन घी के अंदर अच्छी फ्राई होती है, ऑयल के अंदर गुलाब जामुन का बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। या तो आपके पास देसी घी हो उसमें आप फ्राई करें, या नॉर्मल वनस्पति घी में। तो इसका टेम्परेचर चेक करते हैं घी का, एक या दो पीस पहले आप घी के अंदर डालकर उसका टेम्परेचर चेक कर लें। टेम्परेचर दोस्तों इसका इतना होना चाहिए कि अगर जो आप घी के अंदर उंगली डालें तो आपकी उंगली हल्की सी जलनी चाहिए, ज़्यादा ना जले। और जैसे ही ये ऊपर आएँ तो आप इनको हाथ की मदद से चेक कर लें, ये जब ऊपर आएँ तो हल्की सी इसमें कड़कपन, इसकी जो स्किन है वो हल्का सा कड़कपन होना चाहिए इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, तो समझो आपके घी का टेम्परेचर सही है। तो अब इसके नीचे जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल कम कर देना है, 0 पे कर देना है। और आराम आराम से घी को हिलाइएगा, या चम्मच की मदद से आप हिला लें, या कढ़ाई को एक साइड से पकड़ के इस तरीके से हिला लें कढ़ाई को ताकि ये ऊपर आ जाएं। अलबत्ता चमचा इसके ऊपर अभी लगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपने घी को हिलाना है इस तरीके से, ये 1 से 2 मिनट में ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसके नीचे जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। तो ये ऊपर आ गए हैं, अब मैंने जो फ्लेम है वो हाई कर दिया है, कम से कम 2 से 3 मिनट मैं हाई फ्लेम रखूँगा जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। जैसे ये फूल के थोड़े से सेट हो जाएंगे फिर मैं फ्लेम को कम कर दूँगा। तो देखें अच्छे से फूल चुके हैं और अब मैंने फ्लेम कर दिया है कम, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है। अब इसी फ्लेम पे मैं इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक फ्राई करूँगा ताकि ये अंदर से सिक जाएँ। अगर जो दोस्तों इस स्टेज पर आप इसको तेज़ हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे और इसके बीच में गुठली आ जाएगी। तो फ्राई का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेता हूँ। अभी इसका आधा कलर आ चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन जो हैं वो हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। शीरा मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है तो अब इसको डायरेक्ट शीरे में डालेंगे। शीरा भी मैंने गरम करने के लिए हल्की आंच करके चूल्हे पे रख दिया था और शीरे के अंदर ऐड करके आपने चम्मच लाजमी गुलाब जामुन में चलाना है। चाहे आप छोटी गुलाब जामुन बनाएं या बड़ी, तो इसमें फ़ौरन से चम्मच चलाइएगा ताकि जल्दी से ये शीरे के अंदर डिप हो जाएं और अच्छे से फूल जाएं। तो अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक चूल्हे पर रखूँगा।
तो देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मुझे लग रहा है कि ये फूल चुके हैं और चूल्हा मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के रखते हैं। तो चूल्हे से मैंने इसको नीचे उतार दिया है। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके के हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं गुलाब जामुन। तो अब इस वक्त ये दोस्तों गर्म है, तो मैं आपसे यही कहूँगा आप ठंडे करके गुलाब जामुन को डिश आउट किया करें, गर्म गर्म को नहीं। तो मुझे ये गर्म चाहिए थे, इस वजह से मैंने गर्म गर्म गुलाब जामुन को डिश आउट कर रहा हूँ। आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बने हैं। दोस्तों अगर जो ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक छोटी सी टिप और मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये आपने मेरी रेसिपी बनानी है तो इसका जो मेजरमेंट है उसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा, उतना ही लिएगा। पाउडर, मैदा, सूजी और बेकिंग सोडा, अगर जो आप कोई भी चीज़ अंदाजे से इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मैं फिर आपको बता दूं, तो गुलाब जामुन इस रेसिपी से आपके सामने है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।